नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, काफी लोग अभी भारत में हमारे जो है वो किसान उत्पादक कंपनियों का गठन कर रहे हैं, और जैसे कि आप जानते हैं भारत सरकार भी किसान उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन ये जो किसान उत्पादक कंपनियां हैं, ये जितनी ज्यादा गति से बन रही है, जितने ज्यादा नंबर्स में बन रही है, उतने ही ज्यादा नंबर्स में किसान उत्पादक कंपनियां बंद हो रही है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि क्यों फेल होती है किसान उत्पादक कंपनियां, आखिर ऐसे क्या कारण है कि जिसके वजह से हमारे किसान भाई बहन जो है वो किसान उत्पादक कंपनियां ठीक से नहीं चला पाते। और अगर आप ये कारण समझ पाएंगे तो मुझे आशा है कि आप जानकर अगर आगे जाएंगे तो आपकी किसान उत्पादक कंपनी यशस्वी होने में काफी अच्छी भूमिका आप वहां पे निभा पाएंगे। तो ये जो आज का वीडियो है और आने वाले कई ऐसे वीडियो है, हम सीरीज में ऐसे वीडियो बनाने वाले हैं जो बात करेंगे क्यों फेल होती है किसान उत्पादक कंपनियां। एक एक वीडियो में एक एक कारण लेकर हम उस पर मीमांसा करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग वो समझ पाए और आपकी उत्पादक कंपनी को शाश्वत करने में, सस्टेन करने में हमारा जो ये उपक्रम है ऑल अबाउट एफपीओ का, ये कुछ योगदान दे पाए। तो आज इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम जो विषय लेने वाले हैं वो है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। बहुत ही जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ना सिर्फ किसान उत्पादक कंपनी लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपकी एलएलपी फर्म है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जहां एक से ज्यादा लोग उसके मालिक है, शेयर होल्डर्स है, मेंबर्स है, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये जरूरी है कि आप समझो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पारदर्शिता मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वैसे भी किसान उत्पादक कंपनी को भी ये लागू होता है। तो आप सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में, जब आपकी कंपनी कुछ अच्छा करने लगती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अफवाहें फैलाई जाती है। ये कौन फैलाता है? तो एक तो आपके लोग होते हैं हितचिंतक, जो आपको अच्छा करने के लिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसी के साथ जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं वैसे कुछ अहितचिंतक लोग, जो अहितचिंतक लोग है जो नहीं चाहते कि आप अच्छा करें, जो आपकी प्रोग्रेस या प्रगति देख के वो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़े, या आपके साथ कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ वो चाहते हैं कि नहीं इसको आगे नहीं ले जाना है, तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे अहितचिंतक लोग, जो आपका या आपके किसान उत्पादक कंपनी परिवार में जो अन्य लोग हैं उनका भला नहीं चाहते, ऐसे अहितचिंतक लोग अफवाहें फैलाते हैं या कानाफूसी करते हैं। तो ये अहितचिंतक लोग जब अफवाहें फैलाते हैं तो ये अफवाहें जब किसी भी बोर्ड मेंबर तक आती है, जब किसी मेंबर तक आती है, तो अगर उसको पर्याप्त जानकारी नहीं है आपके कंपनी के बारे में, आपके काम के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, अन्य सारे आर्थिक मामलों में अगर उसको पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो अपर्याप्त जानकारी के कारण गलत फहमी के शिकार वो आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं। और जब गलत फहमी के शिकार वो होंगे तो वहां पे स्वाभाविक है कि वाद विवाद की शुरुआत होती है। शायद वो शुरू में आपसे डायरेक्ट नहीं कहेंगे, शायद किसी और से बात करेंगे, शायद आपसे डायरेक्ट भी बात करेंगे जो लीड कर रहा है इस किसान उत्पादक कंपनी को, लेकिन जैसे जैसे ये गलत फहमियां बढ़ेगी वैसे वैसे वाद विवाद बढ़ेगा, और जैसे जैसे वाद विवाद बढ़ेगा आपकी कंपनी को वो काफी मुश्किल में लेता जाएगा। और शायद ये एक बहुत रीजन बड़ा हो सकता है कि आपकी कंपनी जो अच्छा करने की कोशिश कर रही है वो कंपनी आपकी फेल हो जाए। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें गलत फहमियों का शिकार नहीं होना है और हमारे मेंबर्स को भी नहीं होने देना है। अगर ये नहीं करना है, अगर ये नहीं होने देना है, तो सबसे जरूरी है कि पर्याप्त जानकारी हमारे सभासदत्वक हमें पहुंचानी चाहिए। वैसे ही काफी बार ऐसे होता है कि ये पर्याप्त जानकारी क्यों नहीं पहुंचती है, दो तरह से देखते हैं। एक तो पर्याप्त जानकारी इसलिए नहीं पहुंचती है कि हम उसे देते नहीं है, या हम जरूरी नहीं समझते कि हर चीज शेयर की जाए, या फिर ऐसा होता है कि जब आप इकट्ठा आते हैं किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए तो आप में विश्वास होता है, और जिन लोगों में विश्वास है ऐसे ही लोग इकट्ठा आते हैं, तो ये दृढ़ विश्वास के कारण हम काफी बार कहते हैं कि सर आप ले लो डिसीजन, जो भी लेना है आप जो डिसीजन लोगे वो हमें मंजूर है। हम काफी बार कहते हैं हमारे पास समय नहीं है आने के लिए मीटिंग के लिए, हमारे पास समय नहीं है सुनने के लिए, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, जब तक अच्छा होता है सब आपके साथ है। लेकिन जिस दिन नुकसान हो गया, जिस दिन किसी ने अफवाह फैला दी,
तो ये जो अधूरी चर्चा है, जो आपको समय नहीं है उसके कारण, या फिर आपके दृढ़ विश्वास के कारण आपने नहीं की है, तो ये अधूरी चर्चाएं गलत फहमी की वजह बनती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका दृढ़ विश्वास बोर्ड में होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होना भी जरूरी है। जितनी अच्छी तरह से चर्चा होगी, उतनी अच्छी तरह से सभी बोर्ड मेंबर्स को पता चलेगा। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप शेयर धारक तक लेके जाओगे, शेयर धारकों को भी पता चलेगा। और ऐसे समय में अगर कोई अफवाह फैलाता है, तो उस अफवाह को जब तक वो आपके बोर्ड मेंबर तक पहुंचेगा, आपका बोर्ड मेंबर उसे बताएगा कि अरे मैं जानता हूं ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे ऑलरेडी ये सारी जानकारी दी गई है, और ये अफवाह जो है उसकी हवा निकल जाएगी। तो आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए कि हर चीज पे विस्तार से चर्चा करना बहुत जरूरी है। और अनुरोध करूंगा मैं आपसे कि आप इसलिए ये मत कहिए कि हमारा दृढ़ विश्वास है, आप जो करेंगे उस पे हमारा भरोसा है, आप अच्छा ही करोगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे किसान उत्पादक संगठन को या FPO को आगे ले जाने के लिए हर बोर्ड मेंबर का विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं कि ये जो अफवाह है, गलत फहमी है, जो विश्वास आपके बीच में है वो ना टूटे, ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए, जैसे मैं अभी कुछ समय से कह रहा हूं कि आप रेगुलर मीटिंग्स लीजिए, और आपके लोग जो है वो उन्होंने रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करना चाहिए। बोर्ड मीटिंग जो है वो बोर्ड मीटिंग के लिए, बोर्ड जब आएगा तो विस्तार से चर्चा होना चाहिए। साथ ही आपकी एनुअल जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग में भी आपने शेयर होल्डर्स को काफी अच्छी जानकारी देनी चाहिए, तो शेयर होल्डर का भी कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा। साथ ही अलग अलग बिजनेस के लिए या अलग अलग एक्टिविटीज के लिए हमें सब कमिटीज तैयार करनी चाहिए, और ये सब कमिटीज ने जो जानकारी है वो जानकारी समय समय पर देते रहना चाहिए। तो नियमित मीटिंग और विस्तार से चर्चा ये बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ जो भी काम आपके आपके पास अगर टीम है या आपके कोई बोर्ड मेंबर है जो लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज आप कर रहे हो उसको, जो बड़ा निर्णय अगर आप लेने जा रहे हो तो उसको आप पूर्व मान्यता लीजिए। आपका जो बोर्ड है उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए और उनकी पूर्व मान्यता लीजिए। तो वो डिसीजन अगर सक्सेसफुल होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो डिसीजन फेल भी होता है तो आपके बोर्ड को पता होगा कि अरे इस विषय पर हमने चर्चा की है, इस विषय पर बोर्ड ने अप्रूवल दिया हुआ था। इसलिए अगर कोई नुकसान भी होता है, अगर कोई निर्णय आगे भी नहीं जाता है, तो फिर बोर्ड को पता होगा और वो जिम्मेदारी भी ले पाएंगे। लेकिन अगर बोर्ड को बिना बताए आप कोई बड़ा निर्णय लेते हो और फिर वो निर्णय सक्सेसफुल होता है तो सभी वाह वाह करेंगे, वो निर्णय फेल होता है तो फिर सभी आपको कोसेंगे कि अरे आपने ये निर्णय लिया था, आपके वजह से ये फेल हुआ है, आपके वजह से ये नुकसान हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि बड़ा निर्णय लेने से पहले बोर्ड की पूर्व मान्यता लीजिए, आपके टीम को भी विश्वास में लीजिए, सब कमिटीज को विश्वास में लीजिए। और गलत फहमी बहुत ज्यादा होती है जहां खर्चे छुपाए जाते हैं या फिर खर्चे बताए नहीं जाते। छुपाना अलग चीज है, न बताना अलग चीज है। काफी बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमें ये बताना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। आप समझिए कि आपको खर्चे बताना चाहिए, आपको खर्चे बोर्ड को तो समझाना ही चाहिए, बोर्ड को डिटेल में आपको खर्चे समझाना चाहिए कि बोर्ड को कॉन्फिडेंस हो कि जो जो खर्चा हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है, सही चीजों पे हो रहा है, और वो खर्चा करना जरूरी है। कॉन्फिडेंस में रहेगा तो बोर्ड आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर पाएगा। शायद आपका कहीं अननेसेसरी खर्चा होता है तो बोर्ड उस पर टिप्पणी भी करेगा और आपको सही समय पर दुरुस्त करेगा। साथ ही काफी बार ऐसी चीजें होते हैं जिसपे हम खर्चा करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे जो बोर्ड मेंबर्स है या टीम मेंबर्स है उनमें से उनके कनेक्शंस में कोई अच्छे वेंडर्स है, उनके रिलेशन में कोई अच्छे लोग हैं जो हमें अच्छा हो अच्छी चीज अच्छे दामों पे प्रोवाइड कर सकती है, तो कुछ खर्चे हम बचा भी सकते हैं, कुछ वॉलेंटियर्स के माध्यम से भी बचा सकते हैं। तो खर्चों पे चर्चा बहुत ही आवश्यक है, ये एक महत्वपूर्ण रीजन है गलतफहमी का और वाद विवाद का। तो खर्चों पे आप जरूर चर्चा कीजिए। साथ ही आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में क्या हो रहा है, उस बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, इस विषय पर भी चर्चा करना जरूरी है। उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसमें अगर नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये चर्चा करना जरूरी है। लेकिन इससे पहले जब आप व्यवसाय कर रहे हो, जब आपकी बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो भी समय समय पर लोगों को अवगत कराना कि अभी तो हम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है लेकिन ये कारण है, इसके वजह से नुकसान भी हो सकता है, ये बोर्ड को अवगत करवाना जरूरी है।
आपका बिजनेस चल रहा है, फिर भी बीच बीच में बोर्ड को अवगत कराना जरूरी है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसे ऐसी चीजें हुई तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो अगर बोर्ड को यह पता चलेगा कि ये व्यवसाय है, इसमें प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, तो बोर्ड प्रिपेयर रहेगा उस चीज के लिए। और आपकी आपके वर्स्ट केस में आपका अगर नुकसान होता है आपके डिसीजन के वजह से, या बिजनेस में सही चीजें सही चल रही है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ऐसे चीजों से अगर नुकसान होता है तो बोर्ड उस समय आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि बोर्ड के साथ आपने चर्चा की है, बोर्ड को ऑलरेडी आपने ये बताया है कि ये सारी चीजें हैं, इसके वजह से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, और ये सारी चीजें अगर इस तरह से हुई तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो ये जरूरी है इस तरह से चर्चा करना, हमारे बिजनेस के ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और इन सारी चीजों का सार यही है कि बोर्ड को पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए, और जो जो मेजर अपडेट शेयरधारकों को करना चाहिए वो शेयरधारकों को भी अपडेट होना चाहिए, तो आपके एनुअल जनरल मीटिंग में भी ज्यादा इश्यू नहीं आएंगे। तो लोग अगर अपडेट्स रहेंगे, लोग अगर इन्वॉल्व फील करेंगे डिसीजन मेकिंग में, तो मुझे लगता है कि गलत फहमियों का शिकार नहीं होंगे, अफवाहें कम आएगी, और आपकी कंपनी को ट्रांसपेरेंसी के वजह से जो भुगतना पड़ रहा है वो एटलीस्ट नहीं भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए सोशल मीडिया का सही उपयोग अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा वे है संवाद का, कम्युनिकेशन का। और सोशल मीडिया अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। आपके बोर्ड का अगर ग्रुप है तो मैंने देखे कई एपीओ में बोर्ड मेंबर्स के ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन बोर्ड मेंबर्स के ग्रुप में अपडेट ही नहीं आते डेली अपडेट्स, बोर्ड मेंबर के ग्रुप में मीटिंग का ही मैसेज आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप रेगुलर बेसिस पे डेली वीकली या फिर जो जो इंपॉर्टेंट अपडेट जिस जिस समय है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते रहिए, तो उसकी वजह से बोर्ड अपडेट रहेगा। बोर्ड अपडेट रहेगा तो कोई शेयर होल्डर्स उससे मिलते हैं तो उनको भी वो अपडेट करते रहेगा। तो बोर्ड के व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स डालना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है बोर्ड ही हमारा पिलर है बहुत इंपॉर्टेंट, जो अफवाहों से हमें बचा सकता है, जो शेयर धारकों को भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकता है। तो इस विषय पे आप जरूर ध्यान दीजिए। काफी और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण कारण और महत्वपूर्ण उपाय क्या हम कर सकते हैं इसके विषय पर हमने आज चर्चा करने की कोशिश की। आशा है ये जो वीडियो है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बना हुआ या पारदर्शिता के ऊपर बना हुआ आपको पसंद आएगा। ऐसे और भी वीडियो हमारे सीरीज में अभी आगे आगे आएंगे, और अन्य वीडियोस भी एक एक विषय पर हम बना रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे ये वीडियोस देख सकते हैं, और साथ ही आपको अगर आपके FPOs के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, अभ्यास सर एक्सपोजर विजिट की आवश्यकता है, तो हमारे ऑल अबाउट FPO ट्रेनिंग सेंटर में हम रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, ऑनसाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं। तो ये इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप करेंगे तो आपके FPO के लिए, आपकी FPO की प्रगति के लिए, उसके आगे जाने के लिए बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, बहुत अच्छे क्षमतावर्धन आपका हो सकता है। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। धन्यवाद।